नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जी हां साथियों, मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। ये साथियों, हम आपको बता दें कि कांग्रेस की चुनावी अभियान समिति की घोषणा, कमलनाथ और इन नेताओं को मिलेगी जगह। जी हां साथियों, इन सभी खबरों को जानने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज से चल चलते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव संचालन के लिए कांग्रेस ने 134 सदस्यों वाली चुनावी अभियान कमेटी का गठन किया है। यह समिति पार्टी के प्रचार प्रसार अभियान का संचालन करने जा रही है। जैसे हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव संचालन के लिए कांग्रेस ने 34 सदस्यों वाली चुनावी अभियान पार्टी कमेटी का गठन किया है। इसमें कांति लाल भूरिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, नेताओं प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। जैसे तो इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस 15 अगस्त के पहले कई अन्य समितियों का भी गठन कर सकती है। जिसमें हम आपको बता दें, कांग्रेस के महासचिव संग्रह केसी वेणुगोपाल और की ओर से जारी समिति विज्ञापन मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए चुनाव अभियान समिति के गठन की स्वीकृति भी दे दी है। इस समिति के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के अलावा 30 और अधिक वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल हुए हैं। जैसे तो इसमें हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के नाम भी शामिल हैं। यह साथियों, क्या इन सभी पार्टियों के साथ अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता तो कांग्रेस का झंडा लहरा पाएगी? जैसे तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद साथियों, बुरे अच्छे लगे तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो।